झारखंड के कई गांवों और कस्बों में एक युवा नेता के भाषण को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। वो युवा नेता जिसे कई पार्टियों की तरफ से मनचाही सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर तक आया, युवा टाइगर के नाम से मशहूर जयराम महतो। अक्सर अपनी जीप के बोनट पर खड़े होकर रोजगार, अपने अधिकार और न्याय की बात करते हैं और जनता सुनने भी आती है। लोकसभा चुनाव में महतो ने ताल ठोकी, वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। अब झारखंड विधानसभा के चुनाव है तो महतो पीछे कैसे रहते, लेकिन महतो इस चुनाव में किसको नुकसान और किसे फायदा पहुंचाने वाले हैं, महतो कैसे इन चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं, बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस तरह की तमाम खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड में मुकाबला है एनडीए गठबंधन वर्सेस इंडिया गठबंधन। चुनावी मैदान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी ताल ठोक रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम कुमार महतो की ही पार्टी है और महतो खुद डुमरी सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर चुकी है। इस सीट के समीकरण और महतो के चुनावों पर प्रभाव के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा 30 साल के जयराम महतो के बारे में विस्तार से बताते हैं। किसी नेता की तरह कुर्ता पायजामा नहीं, कोई हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी नहीं, जीन्स शर्ट में एक आम सा ये युवा जब झारखंड के गांवों में जाता है तो नेताओं की सभा से भी ज्यादा भीड़ जुटती है। कहा तो ये भी जाता है कि राजनीतिक पार्टियां महतो को अपनी तरफ से चुनावी मैदान में उतारने की पूरी जोर आजमाइश कर चुकी हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार और भाषा के मुद्दे पर महतो इतने लोकप्रिय हो गए कि वो चुनावी मैदान में उतरे तो, लेकिन जब वो उतरे थे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले नहीं उतरे थे। गिरिडीह संसदीय लोकसभा क्षेत्र से महतो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनावों में चुनावी मैदान पर उतरे और तीसरे नंबर पर रहे। अपनी इंस्टा बायो में वो अक्सर लिखते हैं मॉडर्न एरा भगत सिंह। जयराम के परिवार की बात की जाए तो धनबाद जिले के मानटान गांव में जन्मे महतो के परिवार में कुल चार लोग हैं। जयराम, उनकी माँ, दादी और एक छोटा भाई। पिता एक आंदोलनकारी बताए जाते हैं। उनकी अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान मौत हुई थी। जयराम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गाँव में हुई, फिर पीके राय मेमोरियल कॉलेज धनबाद से उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर्स हासिल की। फिलहाल अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। झारखंड में स्थानीय नीति और युवाओं के मुद्दों पर जोरदार आंदोलनों से जयराम महतो पिछले कई सालों में बड़े क्राउड पुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं। उन्हें झारखंड में सियासी तौर पर प्रभावशाली कुर्मी जाति का बड़ा नेता कहा जाता है और यही वजह है कि वो झारखंड के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। महतो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर कई बार निशाना भी साध चुके हैं। गांडे में एक जनसभा हुई थी, उसको संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा था कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन की बात भी अब सीएम हेमंत सोरेन नहीं मानते। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने निजी स्वार्थ में इस तरह से वो अंधे हो गए हैं कि वो अपने पिता की बात को भी नहीं सुन रहे। उनका बयान काफी वायरल हुआ था। ये बयान तब का था जब हेमंत सोरेन जेल गए थे। टाइगर नाम से मशहूर महतो कुर्मी जाति से आते हैं और राज्य की राजनीति में इस जाति को आदिवासियों की बात सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ऐसे में उनका चुनावी मैदान में उतरना पार्टियों की टेंशन बढ़ा रहा है। राज्य में इसकी आबादी करीब 15% बताई जाती है, जो आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि खुद जयराम का दावा है कि सिर्फ कुर्मियों के बीच ही नहीं, उन्हें सभी समुदायों का समर्थन मिल रहा है। उनके मुताबिक रांची में हमारे लोकसभा उम्मीदवार को 1,32,000 वोट मिले बिना सभी समुदायों के समर्थन से, ये संभव कैसे है। हालांकि गठबंधन को लेकर वो यही दावा करते हैं कि वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों से दूर रहना चाहते हैं। महतो का ये बयान ये भी बताता है कि वो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के ही खेल को बिगाड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छे खासे वोट मिले थे, वो बात अलग है कि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे वैसा प्रभाव पार्टी नहीं छोड़ पाई। जातीय गोलबंदी के हिसाब से वोट बैंक में सेंध लगने की खतरे की आशंका है, तो इस मायने में एनडीए के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी महतो की पार्टी चिंता की लकीर लग रही है। और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी एजेएसयू के मुखिया सुदेश महतो राज्य के सबसे बड़े कुर्मी नेता माने जाते हैं।
इस बार उनका भाजपा के साथ गठबंधन है, इसके चलते भाजपा को कुर्मी वोटर्स का समर्थन मिलने की उम्मीद है। लेकिन जयराम महतो के मैदान में आ जाने से कई सीटों पर एनडीए का खेल तो खराब होने की संभावना जाहिर की जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी खतरे में है, क्योंकि जयराम महतो लगातार हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलते भी आए हैं। बता दें कि डुमरी विधानसभा सीट, जहां से महतो खुद चुनावी मैदान में है, वो झामुमो का गढ़ रहा है। यहां लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता रहा है। अभी वर्तमान में यहां की विधायक बेबी देवी हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी हैं। जयराम महतो की पार्टी ने अभी तक 58 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। डुमरी से खुद बता दिया हमने आपको कि लड़ ही रहे हैं। तो गिरडीह सीट पर नवीन आनंद चौरसिया, बगोदर सीट पर डॉक्टर सलीम अंसारी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा भी कई प्रत्याशियों को उन्होंने मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि महतो किसको इस चुनाव में फायदा पहुंचाने वाले हैं और किसकी नैया डुबाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।